तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रीम लैब में जो आपको स्ट्रीम करते हुए लैग की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे फिक्स करें बिना टाइम वेस्ट किए। आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल में। गूगल में सर्च करेंगे आप स्ट्रीम लैब। जैसे ही आप स्ट्रीम लैब जो है सर्च करोगे तो आपके सामने जो है फर्स्ट नंबर पे ही स्ट्रीम लैब, ये जो है ऑफिशियल इनकी वेबसाइट आ जाएगी। आपको सिंपली इसे जो है ओपन कर लेना। ओपन करते ही यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आप स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये 240 MB का है, तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो गाइस, सिंपली हम जो है आपको इसको ओपन करके दिखा देंगे। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, लिए ओपन हो जाता है, तो हम आपको आज मैं बता देता हूँ कुछ ऐसे बेसिक सेटिंग जिससे जो है आपकी स्ट्रीम जो है बिल्कुल भी लैग नहीं करेगी। तो गाइस, सबसे पहले जो है आपको आ जाना है आउटपुट में। आउटपुट में जैसे ही आएंगे तो आउटपुट मोड में आपको एडवांस पे रखना है, ऑडियो ट्रैक 1 पे रखना है। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट रेजोल्यूशन जो है आपको गाइस 1280 पे रखना है, और रेट कंट्रोल जो है CBR पे रखना है जिगर आपका लो एंड PC है। तो बिट रेट जो है आपको रखना है 2497 पे, और जो है की फ्रेम जो है 0 पे रखना है। प्रेजेंट को जो है परफॉर्मेंस पे रखना है, और प्रोफाइल जो है आपको मेन पे रखना है, और ये जो हमारा GPU आ जाता है उसको जो है गाइस आपको 0 पे रखना है। तो मैक्स भी फ्रेम कॉपर 2 पे रखना है। तो उसके बाद हम गाइस बात कर लेते हैं वीडियो की। वीडियो में जो है सबसे पहले बेस रेजोल्यूशन जो आपको रखना है 1280 से 720 तक रखना है। तो जो आउटपुट रेजोल्यूशन आप दोगे तो उसको जो है गाइस 1020 से 576 पे रख लीजिएगा। उसके बाद जो है डाउन स्केल फिल्टर में जो है आपको इस पे रख लेना है 16 सैंपल में जो ब्रैकेट में लिखा हो। तो उसके बाद जो है FPS टाइप जो आता है वो आपको रखना है कॉमन FPS वैल्यू में। तो उसके बाद गाइस जो है FPS कॉमन FPS जो आ जाता है उसको जो है आपको, ये आपके PC के ऊपर है। अगर आपका लो एंड PC है तो आप, मैं यही सजेशन करूँगा कम से कम जो है 30 रखिए। इससे नीचे रखोगे तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं है लाइव स्ट्रीम करने का, 30 पे तो रखना ही पड़ेगा आपको। अगर आपका हाई एंड PC है तो आप 60 पे भी रख सकते हो, तो मैं सजेशन करूँगा 30 पे रखने की अगर आपका लो एंड PC है। तो गाइस, इस तरीके से जो है आप इसको सेटिंग करके और डन पे क्लिक कर दीजिएगा।